एमपी गुरजीत सिंह ओजला जी ने तीन खेती काले कानूनों नूं वापस लैण ते किसानां नूं ओजला जी ने दित्ती वधाई। उन्होंने कहा कि पार्लीमेंट सैशन शुरू हो रहा है अते अटारी बार्डर खुलण दी मंग नूं लै के 200% कस्टम घट करन अते महंगाई विरुद्ध लड़ाई लड़न की शुरुआत करन लई अटारी बार्डर तो रैली कढ़ी जाएगी, जिस दे विच एमएलए अते लोकल लीडरशिप भी उत्थे पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि अटारी बार्डर तो लैके जिलियां वाले बाग तक साइकलों उत्ते रोस रैली कढ़ी जाएगी। ओजला जी ने सब नूं अपील की कि सब इस रैली विच वध चढ़ के हिस्सा लैन अते अपना वध तो वध सहयोग देन। नौ स्टार टीवी दी यह रिपोर्ट। पिछले लंबे समय तो पंजाबियों वालों किसान जथेबंदियों वालों जिहड़ा लंबा संघर्ष विढ़िया गया सी तीन कृषि कानूनों नूं लैके वो वापस हो गए ने और उहदे सहयोग लई असीं वी इक लंबा समा संघर्ष कीता है जंतर मंतर दिल्ली विखे तुसीं सब जानदे जे मैं और मेरे साथियों वालों उत्थे धरना दिता गया और उसकी आप सब नूं वधाई। हुण जिहड़ा अगला प्रोग्राम है वो 29 तरीक नूं पार्लीमेंट सैशन शुरू हो रहा आ रही बॉर्डर खोलण दी मंग नूं लैके 200% कस्टम जिहड़ा घट करन नूं लैके और महंगाई विरुद्ध लड़ाई लड़ जिहड़ी आ उहदी शुरुआत अटारी रैली करके कल की जाएगी, जिहदे च साडे एमएलए साहबान और अमृतसर की लोकल लीडरशिप जिहड़ी आ उत्थे पहुँचेगी। मेरी सभना नूं हत्थ जोड़ के बेनती है कि सभना तक हो सकदा मैसेज ना पहुँचा होवे, फोन ना पहुँचे होण, कृपा करके सहयोग दिओ। तुहाडे सहयोग दे नाल ही कामयाबी मिलनी आ, तुसीं सहयोग दिओगे साडे हौसले वधदे आ और कल रैली तो बाद अटारी तो लै के जिलों वाले बाग तक साइकिल ते रोस प्रगटाउंदे हुए रैली एक कढ़ांगे। जे उहदे च असीं साडे साथी सहयोगी जिहड़े उह च हिस्सा लैणगे, तुसीं भी अपना साइकिल लै के जे हिस्सा लैणा चाहो करीब 12:30 बजे दे करीब 12:30 1 दो करीब असीं अटारी तो रैली खत्म होने तो बाद साइकिल राहीं जिलों वाले बाग पहुँचांगे। मैनूं आस है तुसीं जिन्ने भी प्रेम करन वाले जे जिन्ने भी लोग सुणदे जे ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ, ਇਹ ਅਟਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਔਰ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।